हेलो एवरीवन अगर आपको क्वेश्चन है कि प्राणिक हीलिंग प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प कर सकता है कि नहीं तो इस वीडियो में आई विल ट्राई एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्राणिक हीलिंग किस तरह से हेल्प कर सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है अबाउट प्रेगनेंट वुमेन इज दैट दे के नॉट यूज मेडिसिन मेडिसिन जो एलोपैथी के स्पेशली मेडिसिन होते हैं वो प्रेगनेंट वुमेन के लिए खास करके बहुत ही रिस्की माने जाते हैं उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अक्सर अगर उनको कोई तकलीफ है हैनी नॉर्मल स्मॉल प्रॉब्लम्स या जैसे हेड एक होना या डिजीनेस होना चक्कर आना उल्टियाँ होना या तो फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम है जैसे हाई बी लो बी शुगर uh, ऐसे सब कंडीशन में उनको दवाई लेने में uh, तकलीफ होती है दवाई नहीं ले सकते तो व्हाट इज द सोल्यूशन इसका मतलब ये होता है कि उनका सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्लस कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए इन सच अचुएशन हीलिंग कम्स एज अ ब्लेसिंग इट्स अ बून Why? सबसे बड़ा जो प्रानीलिंग का फर्स्ट फीचर है वो ये है कि प्रानी does डज नॉट इन्वॉल्व यूजिंग एनी मेडिसिन यानी पर्सन को कोई मेडिसिन नहीं लेनी है ना ही टच की जरूरत है ना ही कोई नीडल्स या कोई प्रेशर पॉइंट्स की जरूरत है प्रानी हिलिंग के द्वारा हील करने के लिए आपको पर्सन के सामने होने की भी जरूरत नहीं है हीलर दुनिया में कहीं पे भी हो वहाँ से अपने पेशेंट को हील कर सकता है दिस इज द ब्यूटी एंड मेरेकल ऑफ प्रानिकलिंग अगर आपको समझना है कि ये जो साइंस है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्लानी खिलिंग ये कैसे काम करता है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है एक आई हैव अ वीडियो जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि ये पूरा कैसे काम करता है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में डाल दूंगी इस वीडियो के जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए दैट ये बस एक विजुअलाइजेशन टेक्निक या कोई मंत्रोच्चार कर दिया या पॉजिटिव थिंकिंग कर दिया ऐसा नहीं है अ कंप्लीट साइंस ऑफ हाउ टू रिमूव डर्टी एनर्जी फ्रॉम अ पर्सन बॉडी एंड गिव फ्रेश एनर्जी सो दट सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करे एंड रीजनरेट होने लगे सो दैट यू कैन सीन दीडियो नाउ कमिंग बैक टू प्रेगनेंट वुमेन प्रेगनेंट वुमेन जो होते हैं उनका अगर लेट्स एन एग्जाम्पल उनको वॉमिटिंग बहुत हो रही है तीन चार महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी को लेकिन वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही है या स्टार्टिंग ऑफ द टाइम से वॉमिटिंग है ऐसे सिचुएशन में अगर उस पर्सन को हील किया जाए प्रेगनेंट वुमेन को देर आर अ फ्यू चक्रास जो आपकी बॉडी में ओवर एक्टिव या कंजेस्टेड यानी कि वहां पर डटी डिजीज एनर्जी के बढ़ने से पर्सन का वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होना बढ़ जाता है उनको डिजीनेस हो सकता है कंटिन्यू वॉमिटिंग वाला फीलिंग हो सकता है खाने को मन नहीं करेगा ऐसा सब हो सकता है ये चक्रास को अगर सिर्फ नॉर्मल कर दिया जाए ये दो तीन चक्रास है उनको अगर नॉर्मल किया जाए देन वो वॉमिटिंग की फीलिंग कंप्लीटली निकाली जा सकती है या ऑलमोस्ट एटी टू नाइनटी परसेंट आप उस पर्सन को बेटर कर सकते हैं सो वी हैड मेनी केसेस जहां पे आफ्टर प्रेगनेंसी फर्स्ट फोर मंथ्स फाइव मंथ्स किसी किसी को छह सात महीने तक कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है एवरी डे ऐसे केसेस में हमने हीलिंग स्टार्ट करते ही मोस्ट लाइकली फर्स्ट या सेकंड हीलिंग से उनकी वॉमिटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटली या तो नाइनटी परसेंट जितनी बंद हो गई विच ब्रिंग्स देम टू अर नॉर्मल लाइफ मतलब वो नॉर्मल ही अपने प्रेगनेंसी के नौ महीने निकाल सकते हैं व्हाट अबाउट अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी होना लो बीपी होना डिजीनेस यानी कंटिन्यूसली चक्कर जैसा आना इन सबके लिए भी देर आर अ फ्यू चक्रास जो आपके बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर के चक्रा को नॉर्मलाइज करने से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है इस वजह से जो हेड होना डिजीनेस चक्कर आना ये सबकी भी तकलीफ आप कंप्लीटली निकाल सकते हैं शुगर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है तो ऐसे कुछ चीजें प्रेगनेंसी में बहुत काम आते हैं प्लस जिन लेडीज का हमने प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर हीलिंग्स किया है उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता या तो मिनिमल प्रॉब्लम्स uh, या सिम्टम्स होते हैं ऑलमोस्ट रूटीन जैसा उनका टाइम जाता है क्यों क्योंकि अगर हमारे बॉडी के सारे चक्रास नॉर्मल रहते हैं

चक्रा मेजरिंग का जो टेक्निक है जो प्राणी हिलिंग में सिखाया जाता है जिसमें चक्रा छोटा है बड़ा है चक्रा में अधिकतम ऊर्जा है या कम हो गई है डिप्लीटेड कंजेस्टेड जिसे कहते हैं ये सब उसको बराबर स्कैन करना आता है अगर उसको ये सब आता है देन दे विल डू अ वेरी नाइस हीलिंग फॉर द पेशेंट एंड द पेशेंट विल हैव अ वेरी वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी नाइन मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यूरिंग डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर रहा है पेशेंट यानी पॉसिबल है अगर बच्चे की कंडीशन के हिसाब से देन ड्यूरिंग दैट लेबर पीरियड फ्यू डेज बिफोर द लेबर ड्यूरिंग द लेबर अगर हीलिंग दिया जाए तो पेशेंट के यानी कि प्रेगनेंट वुमेन के जो एबडोमन एरिया है नेवल चक्रा और लोअर चक्रा जो है वो सब में इनाफ अगर एनर्जी रह, रहती है तो इनाफ ताकत रहती है फॉर दैट प्रेगनेंट वुमेन to एबल टू पुश द बेबी is इस, इस वजह से normal delivery के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कम पेन में कम टाइम में बच्चा जल्दी से naturally बॉडी से बाहर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वॉट इफ इट इज अजेरियन यानी किसी कारण अगर सिजेरियन करना पड़ा है तो आफ्टर द सिजेरियन डिलीवरी ड्यूरिंग वेल एज आफ्टर अगर मधर uh, को हीलिंग दिया जाता है देन uh, आपके जो एबडोम एरिया में जहाँ पे uh, जहाँ पे वो कट्स हुए है जहां सेन डिलीवरी uh, किया गया है स्टिचेस लिए गए हैं, उस एरिया में देर आर क्रैक्स एंड होल्स इन ऑरा ऑफ द पेशेंट यानी कि ऑरा में भी क्रैक्स एंड होल्स हो जाते हैं तो एज अ हीलर कैन सील दो क्रैक्स एंड होल्स वो भर सकते हैं एनर्जी से इस वजह से जो सीवियर पेन भी अगर कोई पेशेंट को हो रहा है उसको आप एक हीलिंग के माध्यम से या तो कम्प्लीटली आई एम टेलिंग यू बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस दिस या तो कम्प्लीटली निकाल सकते हैं विद इन अ या तो कपल ऑफ हीलिंग्स में बट विथ एवरी हीलिंग पेशेंट का पेन बहुत ही रेड्यूस हो जाएगा सो इन मेनी मैनी वेज यू कैन रियली हेल्प प्रेगनेंट वुमेन टू हैव अ मच बेटर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस एंड उनकी हेल्थ और, और उनकी हेल्थ अच्छी रही तो उनके बच्चों की हेल्थ, बच्चे की हेल्थ को भी बहुत ही बेनिफिट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट वन बेबी पेबी हीलिंग किया जा सकता है uh, इसका वीडियो आई विल पुट इट द लिंक आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन लेटर बट तब तक डू रिमेंबर इफ यू नो एनी बडी आप किसी को भी ऐसे जानते हो जो प्रेगनेंट है डेफिनेटली उनको रेकमेंड करिए कि वो हीलिंग का सहायता ले ताकि उनकी डिलीवरी एंड उनका प्रेगनेंसी का टाइम उनके बच्चे के लिए खुद के लिए बहुत ही हैप्पी मेमोरीज बना के रहे बहुत ही हेल्दी बना के रहे एंड अगर वो पेशेंट खुद वर्किंग वगैरह हो या उनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तो उनकी लाइफ काफी स्मूदली जा सके आई एम होपिंग की आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी अगर आपको कुछ और जानना हो तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट ऑल्सो आई विल पुट द इनफॉर्मेशन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू एंड हैवे गुड डे